फुलवारी शरीफ वाला खंड ईद के मौके पर देखिए किस तरीके से गुफ्तगू जो है वो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो है वो कर रहे हैं। दरअसल ये विजुअल जो है वो खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर के घर का है, जहां पर मुकेश सहनी पहुंचे थे ईद के मौके पर उन्हें बधाइयां देने के लिए, और इसी दौरान तेजस्वी यादव भी पहुंच गए महबूब अली केसर को बधाई देने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि ईद की, और दोनों नेताओं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच तकरीबन आधे घंटे की ये मुलाकात हुई है, बात हुई है, और आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम पर जहां पर मुकेश सहनी नज़र आ रहे हैं और तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज दिन भर जो नेता हैं एक दूसरे के घर जाकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। चिराग पासवान भी पहुंचे थे महबूब अली केसर के घर पर, उसके बाद मुकेश सहनी भी पहुंचे महबूब अली केसर के घर पर। दरअसल आपको बता दें कि महबूब अली केसर जो हैं वो सिमरी बख्तियारपुर से विधायक हैं आरजेडी के, और अपने ही विधायक के घर ईद के मौके पर तेजस्वी यादव पहुंचे उनसे मुलाकात करने। इसी दौरान मुकेश सहनी भी वहां पर पहले से ही मौजूद थे, और दोनों नेताओं के बीच जो है वो गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, बिहार के सियासत को लेकर भी बातचीत हुई है। विजुअल्स देखिए जहां पर आपको नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जहां पर एक दूसरे से हंस हंस के बातचीत जो है वो कर रहे हैं। आज ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बापू सभागार में कार्यक्रम किया था, जहां पर वो परशुराम जयंती के कार्यक्रम था, वहां पर तेजस्वी यादव ने शिरकत किया था, बड़ा बयान दिया था। और परशुराम जयंती कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई है खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर के घर पर। बीते 15 दिनों में बिहार की सियासत में जो कुछ हो रहा है ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। इफ्तार के ही बहाने ही सही, ईद के बहाने ही सही, विरोधी खेमे के जो नेता हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल जो मुलाकात हो रही है विरोधियों की, चाहे आप कहें कि सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार उनकी गाड़ी तक छोड़ने आते हैं, चाहे जीतन राम मांझी की मुलाकात होती है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से, तो क्या सियासी मायने निकालने जाएं, क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासी फिजा जो है वो बदलने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से मुलाकात हो रही है लगातार नेताओं की विरोधियों की, उसे कहीं ना कहीं ये सियासी बल को हवा मिली है, सियासी पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा हो रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक उलटफेर जो हैं वो बिहार में देखने को मिल सकते हैं। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। फुलवारी शरीफ वाला खंड आपको खिलवा दीजिए, बहुत ज़्यादा।